भी फाड़ दिया गया। और सब लोग देखिए किस तरह से जो मांग है विधानसभा के बाहर, पुलिस प्रशासन ने उनका बैनर ले लिया और उसके बाद उनको हटा दिया। जो शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है बिल्कुल जायज है, उनकी मांगों को सरकार को सुननी चाहिए। भगा दी हमारा उर्दू का सीट खाली है, उसको कोई भर रहे जी फाड़ दिया गया सर। नमस्कार, मैं हूं निखिल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए बिहार विधानसभा के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र नेता मौजूद थे अपनी मांगों को लेकर। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भी अन्य मंत्री लोगों से मिलने के लिए बाहर रुके हुए थे, तभी पुलिस प्रशासन किस तरह से आ गई और उनको ठेलने लगी, बैनर भी छीन ली। किस तरह का नजारा मिल गया, क्या आप कुछ कह रहे थे वो आप सुन लीजिए। चलिए देखिए, विधानसभा के बाहर पहुंचे थे शिक्षक अभ्यर्थी और अब पुलिस प्रशासन इनको भगा रही है क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना अलाउड नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से तो विधानसभा के बाहर पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन भगा रही है। हाँ, हम लोग की मांग थी, आए थे कि मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी मांग को रखते, यही हम लोग की मांग थी। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है, वो लगातार धरने पर लोग बैठे हैं और सरकार लगातार बैठे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तो ये लोग कह रहे थे कि आज मांग करेंगे, मंत्री जी आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे। निश्चित रूप से हटा दिया गया, निश्चित रूप से हम लोग अपनी मांगों को लेकर ही आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हैं सरकार तक पहुंचे, क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है बिल्कुल जायज है, उनकी मांगों को सरकार को सुननी चाहिए। देखिए कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो पहुंचे, पुलिस प्रशासन है जो किस तरह से ठेल रही है और विधानसभा के बाहर आपको दिख रहा होगा, विधानसभा के बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन आपको दिख रही होगी कि अनाउंसमेंट किस तरह से कर रही है और आ चुकी है फॉर्म में। देखिए यहाँ पे किस तरह से पुलिस जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को वो कर रही है। बताइए कि जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भगा दिया आप लोग, पुलिस प्रशासन भगा दी हमारा उर्दू का सीट खाली है, उसको कोई भर रहे। जो बैनर है वो भी फाड़ दिया गया और सब लोग देखिए किस तरह से जो मांग है इनका वो रख लिया गया है और हाथों में रख लिया। अभी बैनर जो था वो छीन लिया गया। जी फाड़ दिया गया सर, सर हम लोग नहीं सर, जहाँ पे अनशन दिए हुए हैं वहीं पे रह जाएंगे चाहे जो हो सर। जो पुलिस प्रशासन है वो लोगों को हटा दी है, विधानसभा आए हुए थे और देखिए किस तरह से नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर पुलिस प्रशासन ने उनका बैनर ले लिया और उसके बाद उनको हटा दिया। देखिए आप भी जाने की गर्दनीबाग धरनास्थल पे जो लोग हैं वो धरना दे रहे थे और इन लोगों को किस तरह से हटाया गया है वो देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उनको हटा दी और साफ कह दिए कि नहीं रहना तो नहीं रहना। देखिए पुलिस की जो फोर्स है वो और आ गई है और सब लोग देखिए किस तरह से तैनात हैं और नहीं जाना है तो नहीं जाना है। यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन प्यार से समझाई, उसके बाद बैनर छीन लिया गया। जो छात्र नेता है वो भी यहीं पर हैं कि किस तरह से, तो आप लोग का बैनर भी छीना गया, सब चीज़ है वो छीना गया। हम लोग जा रहे हैं धरना स्थल पर। जो पुलिस प्रशासन है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को किस तरह से हटा दी है, विधानसभा पहुंचे थे शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर लेकिन किस तरह से उनको दौड़ा के भगा दिया गया वो हम आपको दिखा दिए। तो आपने देख लिया जो नजारा था वो रोड से उस तरफ से इस तरफ ले आया पुलिस प्रशासन ने, बैनर भी छीन लिया और धक्का देते हुए वहां से हटा दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र नेता क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुने। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।